हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस कि साइंस है क्या, फिज़िक्स है क्या, यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ठीक है बेटा। फिज़िक्स की मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में बेटा डिस्कस की। तो वैसे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ खास बताने को है नहीं, क्योंकि ये थियोरटिकल सा चैप्टर है और बहुत कम बच्चों के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि फिज़िक्स की कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज़ ऐसी रहे जो आप लोगों को पता ना हो, भले ही वो एग्ज़ाम में आए या एग्ज़ाम में ना आए, नो मैटर, आपको अच्छे तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आज से अपनी जो क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा, वहाँ हम बात करेंगे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि भाई कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है। कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ जो हमारे वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बेटा, मेजर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी बाय सम फिजिसिस्ट, ठीक है। सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास में आर्किमिडीज। हालांकि हम आर्किमिडीज को बहुत महान साइंटिस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसी कोई महान बात इसने नहीं बताई कि भाई जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, लेकिन फिर भी जो इसका प्रिंसिपल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी या प्रिंसिपल ऑफ द लीवर, ये जो प्रिंसिपल ऑफ द लीवर है ना बेटा, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके अंदर ये लीवर का कंसेप्ट काम ना करता हो, ठीक है। यानी हम ज़्यादातर लोग हम में से आर्किमिडीज को प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी के नाम से जानते हैं, या अपथ्रस्ट या बुयांट फोर्स जो काम करता है, या शिप किस कंसेप्ट पे काम करता है, या हम स्विमिंग किस कंसेप्ट पे करते हैं उसके नाम से जानते हैं। लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के कंसेप्ट को हम लोग बहुत कम, हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्किमिडीज ने लीवर का कंसेप्ट भी दिया। हर एक मशीन के अंदर लोड को बियर करने के लिए, जैसे हमारी टेनिस एल्बो है ना बच्चों, ये टेनिस एल्बो है, ये ऐसे लोड बियरिंग का काम करती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक लीवर का कंसेप्ट आता है हर एक मशीन के अंदर, जो हमें आर्किमिडीज ने दिया है। तो आप नाम लिखेंगे आर्किमिडीज, और आर्किमिडीज ने दो प्रिंसिपल के बारे में बताया है, प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी एंड प्रिंसिपल ऑफ द लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है गैलीलियो गैलीली। बेटा, गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वैसे तो हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं एरिस्टोटल को, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हम बोलते हैं गैलीलियो गैलीली को। गैलीलियो गैलीली इटली के रहने वाले थे, और आप जानते हैं कि इटली बहुत ही रिलीजियस कंट्री है, बहुत धार्मिक कंट्री है, वहाँ मतलब धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब गैलीलियो गैलीली एक साइंटिफिक अप्रोच वाले आदमी थे, उन्होंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, एक टेलीस्कोप बनाया, और टेलीस्कोप बनाने के बाद में उन्होंने अपने कंसेप्ट देने स्टार्ट किए कि भैया अर्थ ऐसे है, सन ऐसे है, अर्थ ऐसे चक्कर लगाती है, सन एक जगह ऐसे रुका हुआ है। अब इटली के लोगों ने सोचा कि भैया ये तो गैलीलियो गैलीली जो है, ये तो भगवान की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जितने भी गॉड ने क्रिएशन किया है जिन चीज़ों का, उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ये गॉड की बनाई हुई चीज़ों के अंदर ऐसे कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये तो बहुत ही ज़्यादा धर्म के खिलाफ है, ये तो बहुत ही हमारा रिलीजन के खिलाफ है। तो इटली के अंदर आप लोग जानते होंगे वेटिकन सिटी नाम की एक जगह है, ठीक है, वहाँ होते हैं पोप, जो उन लोगों के धर्म गुरु होते हैं। तो पोप ने गैलीलियो गैलीली को एक घर के अंदर बंद करा दिया कि भैया गैलीलियो गैलीली तो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो तो अपनी बातें फैलाता है ना, लोग बाग इन बातों को सुनकर गॉड के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो तू एक घर में रहेगा बंद बिल्कुल, तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। अब गैलीलियो गैलीली पूरे 10 साल तक घर में बंद रहे, और घर में बंद रहते रहते ही उन्होंने कई सारे कंसेप्ट दे डाले, कई सारे कंसेप्ट लिख डाले, जो उनकी मृत्यु के बाद यानी उनकी डेथ होने के बाद में उनके जो जर्नल थे, उनके जो पेपर्स थे,
वो दूसरे लोगों को मिले और दूसरे लोगों ने उन्हें फिर प्रिंट कराना स्टार्ट किया। ऐसे ही एक कंसेप्ट का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी गैलीलियो गैलीली को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो गैलीलियो गैलीली को जाना जाता है मॉडर्न फिजिक्स के क्रिएटर। ये जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है ना बेटा, यानी 17, 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में फिजिक्स में जितना भी काम हुआ है उसे स्टार्ट करने वाले गैलीलियो गैलीली ही थे, ठीक है। इसीलिए गैलीलियो गैलीली को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। लेकिन इन्हें जो जाना जाता है सबसे ज़्यादा, वो जाना जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, कि गैलीलियो गैलीली ने भैया लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन साहब ने भी काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली को जाना जाएगा लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बयांसी या प्रिंसिपल ऑफ लीवर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में हाइगेंस। हाइगेंस हाइगेंस भी एक बड़े महान साइंटिस्ट है, मतलब इन्होंने लाइट के ऊपर बहुत काम किया है, लाइट के ऊपर कि बल्ब के अंदर से ये जो लाइट निकलती है ये कैसे प्रोपेगेट करती है, यानी बल्ब के अंदर से लाइट निकलकर हमारी आँखों तक लाइट कैसे पहुँचती है, एक रूम के अंदर लाइट किस तरीके से प्रोपेगेट करती है, सन के अंदर से लाइट निकलकर कैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और किस किस तरीके से वो फैल जाती है, इसके ऊपर हाइगेंस ने बहुत काम किया है बेटा, बहुत काम किया है, ठीक है। हाइगेंस के, ये समझ लीजिए, हाइगेंस के जो गुरु थे, हाइगेंस के जो टीचर थे वो न्यूटन थे। मतलब न्यूटन साहब ने ऐसी फिजिक्स की कोई ब्रांच नहीं छोड़ी जहाँ उन्होंने काम ना किया हो। तो हाइगेंस ने न्यूटन की अंडर गाइडेंस में ही अपना पूरा काम किया है और हाइगेंस को जाना जाता है बेटा वेव थियोरी ऑफ लाइट। वेव थियोरी ऑफ लाइट यानी लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है, लाइट किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है और कैसे लाइट से विजन बनता है, ये जो हम देख पाते हैं ना, ये किस तरीके से देख पाते हैं, ये सारी थियोरी हमें दी है हाइगेंस ने। तो तीन साइंटिस्ट के बारे में अभी तक हम लोग जान चुके हैं, नंबर वन आर्किमिडीज, नंबर टू गैलीलियो गैलीली फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, हाइगेंस वेव थियोरी ऑफ लाइट। इसके बाद आता है भाई हमारे पास में आइजैक न्यूटन, न्यूटन साहब। अब न्यूटन साहब की तारीफ में क्या ही कसीदे हम लोग पढ़े भैया। हमने आपसे कहा कि न्यूटन ने ऐसी कोई फिजिक्स की ब्रांच नहीं छोड़ी जहां इसने काम ना किया हो। मतलब न्यूटन साहब ने हर ब्रांच में काम किया है, हर ब्रांच में काम किया है। मैकेनिक्स में इन्होंने काम किया है, लाइट में इन्होंने काम किया है, वाइब्रेशंस में इन्होंने काम किया है, थर्मोडायनेमिक्स में इन्होंने काम किया है। मतलब फिजिक्स की हर ब्रांच में इन्होंने हाथ आजमाए अपने। लेकिन जो सफलता हाथ लगी वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हाथ लगी, वो जो एप्पल वाली कहानी आप लोग सुनते हैं ना बच्चों, मतलब न्यूटन को सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन के लॉ के नाम से, मतलब ग्रेविटेशन का इन्होंने इन्वेंशन किया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है हमारा, उस नाम से जाना जाता है सबसे ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मैं आपको बताऊं, आप लोगों में से अगर कुछ लोग कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है, मैं कल बता भी रहा था उसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट अगर रखते होंगे, तो यूनिवर्स में बड़े बड़े टेलीस्कोप छोड़े जाते हैं। अभी भी एक टेलीस्कोप यूनिवर्स में मौजूद है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। वो टेलीस्कोप रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। तो उस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो सबसे पहले इन्वेंशन किया था वो भी बेटा न्यूटन ने ही किया था, ठीक है। सो न्यूटन को हम जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। माइकल फैराडे पाँचवें नंबर पे है। मतलब मैं अगर पर्सनली कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कौन से साइंटिस्ट को पसंद करता हूँ, मैंने बहुत साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है बच्चों, और अगर मैं पर्सनली कहूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कौन से साइंटिस्ट को पसंद करता हूँ, तो मैं पसंद करता हूँ माइकल फैराडे साहब को। क्योंकि माइकल फैराडे ने जो काम किया है ना, वो इतना शानदार काम है, इतना शानदार काम है, अगर सही मायने में किसी को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाना चाहिए तो वो हमारे माइकल फैराडे जी हैं। ये जो आप अपने घर में लाइट देख पाते हैं ना बेटा, ये जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी देख पाते हैं,
इस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे एक फेनोमेना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को माइकल फैराडे साहब ने किया, मतलब माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। 11 साल तक देखो, बिना थके बिना रिजल्ट मिले 11 साल तक किसी चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, 11 साल के बाद जाकर कहीं इन्हें रिजल्ट मिला और रिजल्ट के ऊपर इन्होंने लॉ बना दिए धड़ाधड़, जिन्हें नाम दिया गया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इन्हीं लॉ का यूज़ करके आज हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाते हैं। और आप जान रहे होंगे कोई भी मशीन, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिना इलेक्ट्रिसिटी के बेकार है, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ ना होते तो ये समझ लो कि आज भी हम वही जो अब से 5000 साल पहले की ज़िंदगी है वही जी रहे होते, ठीक है। तो माइकल फैराडे साहब को जाना जाता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा 5 साइंटिस्ट आपके सामने हैं अभी। साइंटिस्ट तो खूब सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट की, ठीक है। आर्किमिडीज, गैलीलियो गैलीली, हाइगेंस, न्यूटन एंड माइकल फैराडे। जल्दी से आप इनके बारे में लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा, लिख लिया है आप लोगों ने, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। वुल्फगैंग पाउली, इन्हें जाना जाता है बेटा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन लॉ के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स में आने वाला लॉ है, एटॉमिक फिजिक्स में आने वाला लॉ है। इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जब आपका चैप्टर आएगा तो मैं तब इसके बारे में डिटेल्ड में आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिए पाउली, और इन्होंने काम किया है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या हम इसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। बहुत छोटे लेवल पर यानी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पर एग्जिस्ट करने वाला लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, और बिना लॉ के हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। इसीलिए लॉज ने एटॉमिक फिजिक्स पर पहुंचकर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है। एनरिको फर्मी, देखो एनरिको फर्मी जो है भाई साहब हमारे पास में, एनरिको फर्मी ने हमें क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। जब हम 9th क्लास में थे तो हम समझते थे कि एटम ही सब कुछ है, एटम से छोटा कोई नहीं होता है, एटम सबसे छोटा होता है। फिर हम 10th क्लास में आए और हमने जाना कि एटम के अंदर भी, हाँ भैया एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहेंगे, समझ आ रही बात। फिर हमने थोड़ा सा और जाना, अब हमने जाना बेटा कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी कुछ एलिमेंट्री लेयर से मिलकर बने होते हैं। उन एलिमेंट्री लेयर को हम लोग बोलते हैं क्वार्क, क्या बोलते हैं क्वार्क। उन क्वार्क के बारे में, यानी देखो हम बहुत छोटे लेवल पर पहुंच गए, पहले हम एटम के अंदर पहुंचे, फिर हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंचे, फिर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पहुंच गए। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, जब उनके अंदर हम लोग पहुंचे इसका मतलब है कि वेरी वेरी फ्यू माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग पहुंच गए। उस माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में हमें बताया बेटा एनरिको फर्मी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन भी हम लोग इसे बोलते हैं, और हम लोग इसे न्यूक्लियर साइज कंसेप्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं, न्यूक्लियर साइज कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं। हालांकि कंट्रोल्ड फिजन अलग चीज़ हो गई, आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, लेकिन जो फिजन के पीछे
बेसिक मैकेनिज्म है वो न्यूक्लियस के अंदर से ही निकल कर आएगी बेटा, न्यूक्लियस के अंदर से ही निकल कर आएगी, ठीक है। तो एनरिको फर्मी ने काम किया है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। ओके, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग बहुत शानदार, मतलब आप ये समझो कि हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के आने के बाद में धूम मचा दी इस प्रिंसिपल ने, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसे भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसे भी हम आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अभी इतने इनिशियल लेवल पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है, यहाँ तो हम सिर्फ साइंटिस्ट के बारे में जान रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने काम किया है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटा लेवल होता है बेटा, बहुत छोटा लेवल हमारा क्वांटम मैकेनिक्स होता है, और अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के ऊपर काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में देखिए, नेक्स्ट है अपने पास में पॉल डिराक। इसने काम किया है रिलेटिविस्टिक थ्योरी के ऊपर या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट होता है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, जब इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा तो उनके साथ साथ कौन कौन सी वेव चलेगी, ये सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसे भी हम आगे चलकर ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ साइंटिस्ट का नाम और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोग लिखें बेटा, ठीक है। ओके, हबल, मैं आप लोगों से बोल रहा था, हबल ने काम किया है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के ऊपर। वो जो बिग बैंग थ्योरी है ना, बिग बैंग थ्योरी, वो जिस कंसेप्ट पर काम करती है वो है एडविन हबल के कंसेप्ट के ऊपर। अब इसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्पेस में भेजा गया है जो इंटर गैलेक्सीज तक देख सकता है, यानी बहुत दूर तक देख सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं हबल टेलीस्कोप। और हबल टेलीस्कोप के ऊपर, हबल के ऊपर उसका नाम क्यों रखा, क्योंकि हबल साहब ने काम किया है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के ऊपर, कि ये यूनिवर्स हर समय एक्सपेंड कर रहा है, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है ना। तो वो बात हमें एडविन हबल ने ही बताई थी, जिनके नाम के ऊपर हबल टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया है बेटा, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सभी चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। ओके, आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैरी क्यूरी, ठीक है। देखो यार, मैरी क्यूरी बहुत सही मायने में बहुत बहुत ग्रेट लेडी थी, बहुत ग्रेट लेडी थी, मतलब अकेली फीमेल ऐसी साइंटिस्ट जिन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, मतलब धूम मचा दी बिल्कुल। मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हस्बैंड वाइफ, खूब काम किया इन्होंने ऊपर। ये अकेली ऐसी साइंटिस्ट हैं, आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ जिसे केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिला हो और फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ मिला हो। मैरी क्यूरी अकेली ऐसी साइंटिस्ट हैं जिन्हें केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ मिला है और फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज़ मिला है। ये कहा जाता है कि मैरी क्यूरी की जो डायरी थी ना, जिसमें वो अपने नोट्स बनाया करती थी, वो भी इतनी रेडियो एक्टिव थी, मतलब इतनी रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है रेडिएशंस जो निकलती हैं, जैसे आप लोग समझते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर से रेडिएशंस निकलते हैं, कि वो भी इतनी रेडियो एक्टिव थी कि अगर आज एक नॉर्मल आदमी के सामने उस डायरी को रख दिया जाए तो उसे सिर्फ 24 आवर्स में, सिर्फ 24 घंटे में कैंसर जैसी बीमारी हो जाएगी, इतना ज़्यादा रेडिएशंस उसके अंदर से बाहर निकलता था। तो मैरी क्यूरी कितनी रेडिएशन में काम करती थी, अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। तो मैरी क्यूरी ने बेटा काम किया है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हस्बैंड वाइफ, खूब काम किया, 2 नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए, एक केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में, और इन्होंने काम किया है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, इन्होंने काम किया है बेटा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में है अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आइंस्टीन साहब को कौन नहीं जानता है भैया, आइंस्टीन साहब ने भी खूब काम किया, बहुत काम किया है आइंस्टीन साहब ने, ठीक है।
इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, या इन्हें जाना जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्या तो हम लोग इन्हें जानते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, या हम लोग इन्हें जानते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए? आइंस्टाइन साहब को एक समय ऐसा आ गया था कि आइंस्टाइन साहब अपने कैरियर के इतने पीक पर थे, इतने पीक पर थे कि इसराइल ने, इसराइल जो कंट्री है इंडिया के बड़ा ख़ास मित्र है इसराइल, इसराइल ने इन्हें ऑफ़र कर दिया कि भैया आप आओ और हमारी इस कंट्री के प्रेसिडेंट बन जाओ बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी चीज़ के। लेकिन आइंस्टाइन साहब ने मना कर दिया कि भैया मेरा काम राजनीति से दूर रहना है, मैं राजनीति में नहीं जाऊँगा, मैं आपका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हूँ, मैं साइंस तक ही सीमित हूँ, मैं सिर्फ साइंस तक ही सीमित हूँ। हालांकि आइंस्टाइन साहब कुछ समय जर्मनी में भी रहे हैं, कुछ समय अमेरिका में भी रहे हैं, जहाँ भी वो रहे हैं वहाँ की राजनीति में वो बड़े सक्रिय रहे हैं, मतलब खूब उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से इसराइल के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे। ठीक है, तो आइंस्टाइन साहब ने काम किया है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। इसके बाद में है रदरफोर्ड। देखो यार, हम नाइन्थ क्लास में भी पढ़ते हैं रदरफोर्ड, नील्स बोर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने काम किया है बेटा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। आपको याद होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से एक टॉपिक हमारे सामने आता था, तो रदरफोर्ड ने काम किया है, रदरफोर्ड ने काम किया है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद नील्स बोर, नील्स बोर साहब ने भी न्यूक्लियर मॉडल ही दिया था एटम का। फर्क दोनों में इतना था कि नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड से थोड़ा सा अपग्रेडेड था, थोड़ा सा अपग्रेडेड था। रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी, नील्स बोर के मॉडल में कुछ कमियां नहीं थी, उन्होंने कुछ कमियों को करेक्ट कर दिया था, फिर भी कुछ कमी उनके अंदर रह गई थी, लेकिन ये मॉडल इसके कंपैरिजन में अपग्रेडेड था। ठीक है, ये कंडीशन है बेटा। अच्छा, अब हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम यहाँ आया है, ये है CV रमन, सीवी रमन साहब। ठीक है, सीवी रमन साहब पेशे से सही मायने में अकाउंटेंट थे बेटा। आजकल लोग सोचते हैं कि यार अकाउंटेंट है, कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, साइंस की क्या जानकारी होगी इसे। तो देखो, सीवी रमन साहब सही मायने में पेशे से अकाउंटेंट थे, लेकिन घर पर साइंस में स्पेशल इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने घर पर एक छोटी सी लेबोरेटरी बना रखी थी, और अपने काम से फ्री होने के बाद में शाम को 5 बजे के बाद में वो अपनी उस लेबोरेटरी के अंदर बैठते, और बैठने के बाद में अपना छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने काम किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर इन्होंने काम किया, और इसी काम की वजह से इन्हें नोबल प्राइज़ मिला बेटा, इसी काम की वजह से इन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया था। तो सीवी रमन साहब ने काम किया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, अब आप जल्दी से इन साइंटिस्ट के बारे में लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो बेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और एक दो साइंटिस्ट के बारे में हम आपको और बताते हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, हमने सीवी रमन साहब तक देख लिया है कि सीवी रमन साहब तक कौन कौन से काम हुए हैं, किसने क्या का काम किया है। ठीक है, एक दो हम और देख लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अब्दुल सलाम। ठीक है, इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया है। ये आता है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस
यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, अब्दुल सलाम साहब को दिया गया था यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। इनके बारे में कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल सलाम साहब के बारे में। अब्दुल सलाम साहब 1947 से पहले इंडिया में ही रहते थे, ठीक है। पता है 1947 में क्राइसिस हो गए, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, उससे पहले इंडिया में ही रहते थे, कोलकाता में ये रहते थे। इनके वहाँ एक टीचर थे, मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है। अच्छा, 1947 का जब बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में चले गए, लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद में इन्होंने काम किया और काम किया और काम किया यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर। इन्हें नोबल प्राइज़ मिला 1965 के आसपास, इन्हें नोबल प्राइज़ मिला। नोबल प्राइज़ लेने के बाद ये सबसे पहले पाकिस्तान ना जाकर सबसे पहले इंडिया आए, और इंडिया की जो कैलकटा उस समय होता था, कैलकटा पहुँचे, और जो उनके वहाँ मैथमेटिक्स टीचर थे जिन्होंने कभी अब्दुल सलाम सर को मैथमेटिक्स पढ़ाया था, उन मैथमेटिक्स टीचर, उनका नाम देवदत्त बैनर्जी था शायद, अब मेरे याद नहीं रहा है, वहाँ उनके पास में पहुँचे और उनके चरणों में जाकर अपना नोबल प्राइज़ रख दिया और कहा कि सर ये नोबल प्राइज़ बिल्कुल मेरा नहीं है, मैं इस नोबल प्राइज़ का बिल्कुल हकदार नहीं हूँ, इस नोबल प्राइज़ के हकदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, मैं तो एक बहुत सामान्य बहुत ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट था, अगर आप मेरे अंदर पढ़ने की वो ललक ना जगाते, मेरे अंदर ज्योति ना जगाते, तो मैं आज ये नोबल प्राइज़ प्राप्त बिल्कुल भी ना कर रहा होता। इन बातों को सुनकर बैनर्जी साहब रोने लगे, इन बातों को सुनकर बैनर्जी साहब तभी रो दिए, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जो नोबल प्राइज़ लेने के बाद में जिन्होंने हमें याद रखा और हमारे चरणों में आकर अपना नोबल प्राइज़ रख दिया, और आज भी वो नोबल प्राइज़ अब्दुल सलाम सर के पास नहीं है, वो उन्हीं मैथमेटिक्स, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हीं के पास में है या उन्हीं के परिवार वालों के पास में है। तो बेटा, अब्दुल सलाम के बारे में हमने आपको बताया, ये है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है बेटा हमारे पास में हेनरी। इन्होंने भी काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, इन्होंने भी काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में है भाई हमारे पास में बेटा मैक्सवेल, मैक्सवेल, मैक्सवेल साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है, इन्होंने काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, EMW, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर इन्होंने काम किया है, ठीक है। इसके बाद में है हेनरी साहब हो गए हैं, मैक्सवेल साहब हो गए हैं, अब्दुल सलाम जी हो गए हैं, इसके बाद में है मैक्स प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने काम किया है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर, मैक्स प्लैंक साहब ने काम किया है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। इसके बाद में है हमारे पास में डी ब्रॉगली साहब ने काम किया है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। आई थिंक काफ़ी हो गए हैं भाई, बहुत सारे साइंटिस्ट हमने आपको बता दिए, इतने सारे तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा ऐसे ही ओरली, आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कुछ साइंटिस्ट और उन साइंटिस्ट के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। इन सब के नाम आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और सभी को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताना स्टार्ट करता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल है, मतलब इसके अंदर ना कुछ ये सिखाने की नहीं है आप लोगों को, थोड़ा सा फैक्चुअल सा डेटा है, याद कराने वाला डेटा है, सिखाने का कुछ नहीं है,
जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसमें है सीखने की बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसा है कि भाई हाँ थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाए कि फिज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, फिज़िक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट हुए हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। इतना है कि बस आपको इनके बारे में पता चल जाए, और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट हमारे पास में आता है फंडामेंटल फोर्सेस। जो हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन बेटा आती है वो है फंडामेंटल फोर्सेस। हमारे पास में जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो है फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो इस नेचर में एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। यानी इस पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं, वही चार फोर्स काम कर रहे हैं। ऐसे चार फोर्सेस को हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। अब हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर वन फंडामेंटल फोर्स का नाम है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नंबर वन फंडामेंटल फोर्स है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर टू है बेटा हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। नंबर तीन है हमारे पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और नंबर चार है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नंबर चार है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हम ये चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं बेटा। फोर फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे नेचर के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इन सभी फोर्सेस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप ये समझिए कि नेक्स्ट क्लास में ये जो फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक है ये हमारा फिनिश हो जाएगा बेटा। अब इसमें बहुत कुछ बताने को बचा नहीं है, जितना था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कल की क्लास में जितना भी बचा हुआ है वो मैं आपको बताकर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों का काम यही है, ये जो साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है उसे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें। ओके।